फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है, इसका नाम है पैरामिशियम, ठीक है। और पैरामिशियम जो है आपको दिखाई देता है, नॉर्मली आप देखते हो ये आपको कैसा दिखता है, स्लीपर शेप में या चप्पल के आकार का दिखाई देता है संरचना में जब आप इसको देखते हैं। और इसमें इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन या जो प्रचलन अंग है ना, जिसके थ्रू ये लोकोमोशन करता है या गमन करता है, इसका नाम होता है सीलिया, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई ये सीलियरी मूवमेंट जो है वो शो करता है, ठीक है। इसमें जो केंद्रक है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस, है ना। तो पैरामिशियम जो है ये कैसा है, एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा स्पेसिमेन, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपका ये सारे स्पेसिमेंस है, इसलिए आपको इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगला स्पेसिमेन जो है वो अपना क्या है, स्पॉन्ज है। इस स्पॉन्ज का नाम है साइकॉन, या साइकॉन जो है, साइकॉन में आप बोल सकते हैं कि साइकॉन का जो फाइलम है वो क्या है, फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। तो साइकॉन ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें पोर पाया जाता है, पोर बियरिंग एनिमल है ना, और पोर बियरिंग एनिमल को हम पोरिफेरा संघ में रखते हैं, ठीक है बच्चों। इनवर्टिब्रेट्स के 9 फाइलम है, इनवर्टिब्रेट्स के कितने फाइलम है, 9 फाइलम है। उसमें हम साइकॉन को किस में रखते हैं, पोरिफेरा में रखते हैं। और यहाँ पर एक दो स्पेशल संरचनाएं होते हैं, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें हम ऑस्कुलम कहते हैं, है ना, और ऑस्टियोपोर इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्ज जो है कुछ इस तरह से, और हाँ, कोएनोसाइट जो सेल है ये भी इसका स्पेशल फीचर है, और इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसका स्पेसिफिक फीचर है कि इसमें कैनाल सिस्टम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले स्पेस, अभी दिख रहा है, अभी ठीक है।